दोस्तों आज का दिन भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में काफी अच्छा रहा। भारत ने और एक पदक अपने नाम कर रियो ओलंपिक की बराबरी कर ली। रियो में दोस्तों भारत ने दो ही पदक अपने नाम कर पाया था, लेकिन यहाँ भारत और आगे जाने वाला है। दोस्तों मैं संजीव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद संजीव। दोस्तों इस टोक्यो में शुरुआत भले ही अच्छा ना हुआ हो, लेकिन शाम आते आते दृश्य बिल्कुल बदल गई और दिन का अंत जीत के साथ हुई। दोस्तों भारत का टोक्यो में आज 5 इवेंट में ही पार्टिसिपेशन था, जहां शुरुआत दोस्तों हेवीवेट बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल के साथ हुआ, जहां दोस्तों सतीश कुमार उज्बेकिस्तान के खिलाफ एक तरफा मैच में 0-5 से हार कर बाहर हो गए। वही गोल्फ में भी दोस्तों भारत की ओर से ए लाहरी फाइनल खेलते हुए जीत से काफी दूर रह गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद समय बदलने लगा। घोर दौड़ में फवाद मिर्जा 22वां स्थान लाते हुए अगले दौर में प्रवेश कर गए। इसके बाद तो दोस्तों समय पूरी तरह भारत के पक्ष में आ गया। बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज पदक के लिए लड़ते हुए अपने अंदाज में ही सीधे सेटों में चाइना के हे ब्रिंग जियो को 21-13 21-15 से मात देते हुए भारत के लिए ब्रॉन्ज पदक अपने नाम की। दोस्तों सिंधु के लिए ओलंपिक से ये दूसरा मेडल है। पहला पदक दोस्तों सिंधु का रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीत के रूप में था। वहीं दोस्तों बैडमिंटन में भारत के लिए यहाँ तीसरा पदक है। पहला पदक दोस्तों सानिया नेहवाल का 2012 लंदन ओलंपिक से ब्रॉन्ज पदक के रूप में था। अब बात करते हैं दोस्तों मेंस हॉकी की। दोस्तों भारत इतिहास रचते हुए 1972 के बाद पहली बार सेमीफाइनल पहुंचा। हालांकि 1980 में भी भारत फाइनल पहुंचा था, मगर तब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का सिस्टम नहीं था और फाइनल में भारत स्पेन को 4-3 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया था। बहरहाल दोस्तों आज की बात करते हैं। दोस्तों खेल शुरू होते ही फर्स्ट क्वार्टर में ही 7वें मिनट में भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने शानदार गोल कर भारत को बढ़त दिला दी। में भी भारत की ओर से गुरजंत सिंह ने एक और गोल कर भारत की जीत और अधिक मजबूत कर दिया। लेकिन तीसरे क्वार्टर में भारत कुछ डिफेंसिव खेलते हुए एक गोल खा गए। लेकिन दोस्तों चौथे और अंतिम क्वार्टर में भारत एक बार फिर धैर्यता का प्रमाण देते हुए हार्दिक सिंह की एक और बेहतरीन गोल के साथ 3-1 से जीत अपने नाम कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए। दोस्तों अब भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, जहां भारत सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में प्रवेश करे। भारत का सेमीफाइनल मैच बेल्जियम के साथ होगा। दोस्तों कल सुबह भारत की महिला हॉकी टीम का क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। घंटी बटन का इस्तेमाल तो आप जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। दोस्तों आप इसे इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।